हमारे शहर में बहुत बहुत बारिश होते हैं और सभी घरों में आपको छत पे टिन शेड मिलेंगे। आज हम बताएंगे कैसे 4 इंच के पॉट पे आप सैकड़ों फूल उगा सकते हैं। पाँच छः इंच लंबाई के कटिंग्स बना लेते हैं, फिर उन्हें हम कुछ दिन के लिए पानी में रखेंगे। चलिए दिखाते हैं कैसे कटिंग्स हम बनाते हैं। अब तीसरी स्टेप, कटिंग्स को हम कुछ दिन के लिए पानी में रखेंगे जब तक ना जड़े निकल आए। यहाँ देखिए खूबसूरत जड़े निकल आए हैं। ये करीब 1 महीने बाद की मैं फुटेज दिखा रही हूँ। आप पानी को बदलते रहिए ताकि कोई भी रूट रॉट ना हो। जड़े निकलने में कितने दिन लगेंगे ये बताना मुश्किल है। मेरे यहाँ ज़्यादा और आपके वहाँ कम टाइम ऐसा हो सकता है। वेदर टेम्परेचर और कटिंग्स कमज़ोर है कि नहीं, इन फैक्टर्स भी रिलेटेड है। तो दोस्तों 1 महीने में बिल्कुल जड़े निकल आते हैं। एक बात बताओ, मेरे चैनल पे बहुत सारे ब्लीडिंग हार्ट के वीडियोज़ हैं, आपको कोई भी जानकारी मिल जाएंगे। यहाँ देखिए पानी में रहते हुए भी फूल खिल चुका है, ऐसा भी होता है ना, मस्त वाली बात। अब चौथी स्टेप, हम ऐसे कटिंग्स को छोटे 4 इंच के पॉट्स में लगा डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 इंच के पॉट्स में इन कटिंग्स को लगा डाले हैं और इन पॉट्स पर बहुत ही खूबसूरत फूल खिल जाएंगे भर के। तो आप ये पॉट्स में 4-5 एक साथ कटिंग्स लगा सकते हैं। आपका अपना कोई भी सॉइल लीजिए, थोड़ी कंपोस्ट, थोड़ी लीफ कंपोस्ट, और अगर कुछ भी ना हो कोई बात नहीं, बस मिट्टी पे लगा डालिए, ये उग जाएंगे और फूल भी खिलेंगे। अब मैं उन समस्याओं के बारे में बताती हूँ जो हमेशा पूछा जाता है। अब दोस्तों देखिए ये वही पॉट्स हैं, छोटे छोटे पॉट्स जहाँ पर हमने कटिंग्स लगाए थे, कितने सुंदर फूल खिले हैं। तो दोस्तों चलिए बताते हैं कि मुझे हमेशा पूछा जाता है कि क्यों हमारे पौधों पर फूल नहीं खिल रहे हैं। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जो पौधा आपने नर्सरी से लाए हैं वो बेजान है। आप पौधा उखाड़ के पानी में रखिए कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन काफ़ी है। पहले तो अपना मिट्टी तैयार कर लीजिए, फिर पौधा को उखाड़ के नए सॉइल पे लगा डालिए, लेकिन आप अगर कॉन्फिडेंट हो तो। सेकेंडली, कुछ पोटैश, DAP और सिंगल सुपर फॉस्फेट सब मिला के 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल के हाफ मग डाल सकते हैं। फिर से मैं 20 दिन बाद की फुटेज दिखा रही हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे पर 1.5-2 महीना हो चुका है ये फूल खिले हैं, अब तक और भी कुछ दिन खिले रहेंगे। अभी तक तो कुछ फर्टिलाइजर नहीं डाले हैं, पर थोड़ा जब स्टेबल हो जाए तो आप लिक्विड सरसों खली या फिर जो फर्टिलाइजर अभी बताए हैं वो दे सकते हैं। एक वीडियो भी है, हमने शेयर किए हैं क्या फर्टिलाइजर देना चाहिए ब्लीडिंग हार्ट पौधों पर। आई बटन क्लिक कीजिए तो आप देख पाएंगे। आप चाहे तो अपने पौधों के क्लियर पिक्चर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भेज के समस्या समाधान कर सकते हैं। बहुतों ने ऐसे करके प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। आप भी ऐसे छोटे पॉट्स पे ब्लीडिंग हार्ट कटिंग्स लगाइए। कितना अच्छा फूल खिला है हमने आपको शुरू से एंड तक दिखा दिए और बता भी दिए हैं। पौधा को धूप पे मत रखिए, सिर्फ सुबह की धूप चाहिए। मॉडरेट वाटरिंग कीजिए, कोई रूट रॉट इशू नहीं है। मिट्टी सूखने मत दीजिए, मॉइस्ट रखिए और नीम ऑयल ज़रूर छिड़किए ताकि पेस्ट अटैक ना हो। आपका पौधा स्वस्थ रहेंगे, फूल भी खिलेंगे, गारंटी। जैसे दिखाए हैं और बताए हैं बस फॉलो कीजिए। आज दिखाते हैं कितने अच्छे कैप्सिकम हुए हैं, मिर्ची हुआ है। छोटी सी झलक दिखाते हैं और बताते हैं एक वाइटल प्रॉब्लम जो हमेशा कैप्सिकम के पौधे पर होते हैं। तो चलिए कैप्सिकम अब देखते हैं मेरे बागीचे पे कितने सुंदर कैप्सिकम खिले हैं।
आप चाहे ऑफ सीज़न बोलिए या फिर ऑल टाइम सीज़न, जो मर्ज़ी बोल सकते हैं। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैंने बीज बिखेर दिए थे और कैप्सिकम उग चुका है। मैं तो सिर्फ ये बता सकती हूँ, मुझे पौधों से बे इंतहा प्यार है और मैं कोई भी पौधा लगा देती हूँ मिट्टी पे, तो आज देखिए कैसे कैप्सिकम हुए हैं बागीचे पे। क्योंकि ऑफ सीज़न है तो साइज़ थोड़ा छोटा है, कुछ भी सोचे बिना मैं हमेशा बीज इधर उधर बिखेर देती हूँ। किसे कौन सी मिट्टी चाहिए, या वर्मी कंपोस्ट देना है या फिर परलाइट डालना है, नीम खली दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, ना इस विचार से नहीं चलती हूँ मैं। मैं तो आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि इट्स ऑल अबाउट लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स प्लांट एंड योर पैशन अबाउट गार्डनिंग, है ना। यहाँ पर और भी कैप्सिकम के पौधे हैं लेकिन अभी तक फल नहीं आए हैं। ये छोटा सा पौधा है, इस पर खिला है। तो दोस्तों जो कठिनाइयाँ हैं वो बता देते हैं। बाकी तो पौधा को कोई भी मिट्टी पे आप लगा डालिए, थोड़ी खाद डालिए और मॉडरेट वाटरिंग कीजिए। अब पहली बात है, ध्यान से सुनिए। कैप्सिकम पौधे के पत्ते सिकुड़ जाते हैं, इनको धूप चाहिए होता है और गहरा पॉट बड़े गमले पर लगाइए। इनको सारा दिन धूप चाहिए, कड़ी धूप नहीं, मॉडरेट सनलाइट। हफ्ते में एक दिन ज़रूर नीम ऑयल स्प्रे कीजिए, बेबिस्टिन स्प्रे कीजिए 10 दिन में एक बार, या फिर पेगासस बहुत अच्छा है, पत्ते सिकुड़ना ठीक हो जाते हैं। मिट्टी पेस्ट फ्री रखिए, आप नीम ऑयल के ऑल्टरनेट कॉन्फिडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली यूज़ कीजिए। आप भी ऐसे अपनी डेली यूज़ के सब्जी से कैप्सिकम लगा सकते हैं। कुछ नहीं, बस बीज बिखेर दीजिए और पौधा तैयार, फल भी तैयार। अभी दिखाती हूँ मिर्ची। यकीन मानिए, मिर्ची के पौधों पर मैंने 1% भी ध्यान नहीं दिए, ये अपने आप ही उग रहे हैं। ऐसा है ना, आप इनको थोड़ा केयर करेंगे तो पौधा स्वस्थ और ढेर सारे मिर्ची आपको मिलेंगे। हमने अगर कुछ ना करके मिर्ची पाए हैं, थोड़ी खाद थोड़ा केयर करने पर आपको ज़रूर ढेरों फल मिलेंगे। मिर्ची के पौधा को कड़ी धूप चाहिए और पानी भी डालिए और नीम ऑयल तो छिड़कना ही है। मिर्ची थोड़ी मैच्योर हो जाए आप तोड़ लीजिए, उसी पौधा पर फिर से ढेरों मिर्ची खिलेंगे। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो दोस्तों हम ऐसे अपने छत पे या फिर ग्राउंड पे कुछ कुछ आसान सब्जी उगा सकते हैं। आशा है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत फायदेमंद होंगे। अंत में हम और एक पौधा दिखा देते हैं जो हर किसी को चाहिए होता है। कैप्सिकम के पत्ते सिकुड़ जाए तो आप पेगासस या फिर कॉर्नफिडर या फिर नीम ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार या फिर 1 बार। 1 या 1.5 ग्राम 1 लीटर पानी में फिर छिड़क दीजिए। अभी आप बताइए ये कौन सा फूल है। ये पौधा से जो होता है सबके घर पे इस्तेमाल किया जाता है, सबके खाने पे ये रहता ही है और कोविड के दौरान बताया गया है कि इसे खाना ज़रूरी है। कुछ भी नहीं करना पड़ता इस पौधा के लिए, बस सालों साल इसे आप ग्राउंड पे रहने दीजिए, ये फैल जाते हैं और इनका फूल बहुत ही मुश्किल से दिखने को मिलता है। तो दोस्तों एक क्लू देती हूँ, ये एंटीसेप्टिक है। आप मुझे कमेंट्स पे फूल या पौधा का नाम बताइए। तो दोस्तों कैसी लगी आज की एपिसोड, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल बटन दबाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।